आप देख रहे हैं अपना समाचार। यहाँ उपस्थित सभी मीडिया गण को नमस्कार करूंगा, प्रणाम कहूंगा और हर हर महादेव कहूंगा। ये सारे चैनलों को देखने वाली जनता जनार्दन को हमारा नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं उमेश सिंह, आप लोगों का चहेता प्यारा खलनायक जी। पूछिए। माटी हमार माई, ये फिल्म का आज मुहूर्त हुआ है, जिसमें हमारे भाई रंगीला लाल जी इसके डायरेक्टर हैं और हमारा ये भाई इसमें हीरो हैं, गौरव झा हीरो हैं और ऋत्विक पांडे जी इसके प्रोड्यूसर हैं। फिल्म बहुत ही प्यारी बनाई जा रही है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर हमारे प्रिंस भाई साहब हैं। इस फिल्म में हमारा छोटा भाई बालेश्वर है, लोटा जी हैं और इसमें संजय पांडे जी हैं। बहुत प्यारी फिल्म बनने जा रही है और ये ऐसे तो हर इंसान कहता है कि लीक से हटके है फिल्म, लेकिन ये पूर्ण रूप से पारिवारिक और एक्शन फिल्म है। बिंदा शुक्ला जी इसके राइटर हैं और बिंदा भैया बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छी उनकी कलम जो है, कुछ भी लिखती है तो आग उगलती है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं इस पूरी टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे इस फिल्म में सेलेक्ट किया है और मेरा चयन किया है। जी हाँ, ये पहली बात तो ये है कि जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, जो भी चैनल हमारे डिशून चैनल, सबको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और ये मेरी पहली ऐसी फिल्म है जिसमें मैं सेकंड लीड किरदार नजर आऊँगा। इसके अलावा मेरी जो भी फिल्म है वो पवन जी के साथ है, बॉस है और दिनेश जी के साथ मुकद्दर का सिकंदर है और आए हैं बराती बरात लेके। ये तीनों फिल्म मेरी आगामी फिल्में हैं। तो अभी इंडस्ट्री में स्टैंड कर रहा हूँ और ये मेरी ऐसी फिल्म है और हिमांशु भाई हमारे हैं जिनके सहयोग से हमें फिल्म मिली है। वरना मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ, पूर्वांचल में रहता हूँ, भाई के सपोर्ट से मुझे फिल्म मिली है। इसमें पहली बार मैं सेकंड लीड है तो मुझे काफ़ी खुशी है और फिल्म का नाम भी काफ़ी प्यारा है, पारिवारिक फिल्म है और इतने बड़े स्टार का सर हमारे साथ काम करने मुझे मौका प्राप्त हुआ, सब कुछ हुआ तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत सही लग रहा है। फिल्म की कहानी के लिए तो अभी ये डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है कहानी को। ये ऐसा जनता में आप सूचना दीजिए कि ये फिल्म देखने भारी से भारी संख्या में जाएं और फिर वहाँ इसकी कहानी का पता चलेगा कि ये फिल्म कैसी बनी है। ये पारिवारिक फिल्म है, कॉमेडी है, एक्शन है, पूरा ड्रामा से भरा हुआ है। बिंदा शुक्ला जी अगर इसको लिख रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए कि अपने आप में एक अनूठी फिल्म लिखे होंगे। ऋत्विक भैया बहुत अच्छे इंसान, बहुत सिंपल इंसान हैं, बहुत सीधे साधे इंसान हैं और कहा जाए तो इनकी अभी आगामी कई ऐसी फिल्में हैं जैसे ये फिल्म है, फिर हिंदी फिल्म है, कई फिल्में बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं और सीधे साधे प्रोड्यूसर हैं। रंगलाल जी के साथ मेरा ये पहला काम है और मैंने सुना है कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत ही उम्दा किस्म की फिल्में बनाते हैं, तो इस बार मैं भी उनके साथ में काम करूंगा और उनका कट एक्शन सुनूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मेरे राइटर बिंदा भैया ने मेरे लिए एक अलग ही रोल लिख दिया है जो कि लीक से हटके है। अभी तक मैं खलनायकी किया हूँ और खलनायकी का जौहर दिखाया हूँ अपनी जनता को। अब इसमें मैं DIG हूँ, पॉजिटिव करेक्टर निभाऊंगा और उस पॉजिटिव में कैसे निगेटिव और कैसे पॉजिटिव और फिर क्या होता है अंत में, देखिए फिल्म माटी हमार माई। जैसे माटी हमार माई तो अपन माटी, दूसरी माटी, माटी जी जी माटी। देखिए हमारी भोजपुरी माटी का कोई मोल ही नहीं है, अनमोल है। हमारी ये जो भाषा है इतनी मीठी है, इतनी मधुर है
कि इसका कोई मतलब गणना नहीं की जा सकती कि किस मतलब श्रेणी में है। ये हमारी माटी, जो फिल्म का नाम दिया गया माटी हमार माई, वाकई में बहुत प्यारा टाइटल है और एकदम हमारी माटी से जुड़ा हुआ है। तो यूपी बिहार पूरा भोजपुरी समाज से माटी जो लोग के कितना याद ताजा हुई माटी से जो दूर बांधे हुए। ये हमारे रंगीला भाई जी और बिंदा जी और ऋत्विक जी, प्रिंस जी, ये लोग ये कोशिश किए हैं कि जो हमारे बाहर हैं, विदेश में जो लोग हैं, जो बाहर हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में हैं, तो जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सभ्यता है और हमारी परंपरा जो है, उसे कायम कैसे किया जाए, कैसे रखा जाए, उसे दर्शाने के लिए इस टाइप की ये फिल्म बना रहे हैं जो एक पूर्ण रूप से पारिवारिक और एक्शन और ड्रामे से भरपूर है। और जो हमारे भाई बंधु हमारे देश में नहीं है, हमारे देश से विदेश में है, लेकिन अपनी माटी के लिए वो तरसते हैं, तो ये फिल्म देखने के बाद में उनको कुछ तो सुकून मिलेगा कि हाँ, मेरी माटी मेरी माई है और मुझे इस टाइप की फिल्म मिली है। कह सकते हैं जो भोजपुरी सिनेमा पे जो आरोप लगते हैं उसका ये मुंह तोड़ जवाब है। 100% 100% सर। बात करें फिल्म की नायिका रितु सिंह की, आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पे ये फिल्म का मुहूर्त किया गया, कह सकते हैं जी। ये बहुत शुभ अवसर है कि आज उनका जन्मदिन भी है और ये फिल्म का मुहूर्त है, तो मैं रितु सिंह को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। महादेव उन्हें हमेशा स्वस्थ और मस्त रखें। हैप्पी बर्थडे रितु जी, अगर आप देख रही होंगी या देखेंगी तो हमारा ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपको हमेशा स्वस्थ मस्त रखें। हर हर महादेव। आप किस तरह से रितु जी को? बस मैं भी ये कहूँगा कि रितु जी के आज के जन्मदिन के दिन पे ये मुहूर्त किया गया है, तो मेरी तरफ से और सभी चैनल की तरफ से मैं ये कहूँगा रितु जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर देख रहे हैं हम लोगों को तो देखिए, और आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, देखते रहिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, मैं इस मूवी का को प्रोड्यूसर हूँ और बाकी तो भैया लोग सब कुछ बता दिए हैं। अभी अब मूवी आने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। कितनी एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर, कितनी तैयारी जोर शोर से चल रही है? अब जोर शोर से तो सारी टीम परिवार की तरह काम कर रही है, तो उसका कुछ अच्छा ही हुआ होगा। बाकी जब शूट स्टार्ट होगा तो देखा जाएगा, फिर उसके बाद नहीं देखिए, पहले खुलासा कर देंगे, फिर रह क्या जाएगा मूवी में। अब मूवी आएगी फिर आप लोग देखिएगा, फिर आप लोग बताइए कैसी हमारी मूवी, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कैसा लगा आप लोगों को ये बताइए आप लोग।